हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आर टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, आर टुडेज चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. वी ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर. सो इसमें अपन ने क्या देखा था, व्हाट वी हैव सीन इन आवर लास्ट क्लास. इन आवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ओके, वी हैव स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस and we also have discussed something about respiration. okay, gases ka exchange kis tarah se photosynthesis respiration se opposite hai. okay, iske bare mein hum pehle hi baat kar chuke hain. understand now. let me tell you one activity. isme apan ek activity ke bare mein baat karenge jisme apan ne jab apan ne photosynthesis jab apan pad rahe the to apan ne baat ki कि जो लीव्स होती हैं वो स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करके रखती हैं. ओके, बट अभी अपन बात कर रहे हैं कि जो लीव्स हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए अपन एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. किस तरह से करेंगे, अपने को कोई भी जो फ्रेश प्लांट है, ठीक है, जिसकी लीव एकदम फ्रेश है, उसकी अपने को लीव लेनी है. ओके, एक्टिविटी टू शो स्टार्च. अपन जो एक्टिविटी देखेंगे उसमें अपन ये देखेंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है. इसकी जो प्रेजेंस है स्टार्च की, उसको कंफर्म करेंगे. तो कैसे करेंगे, पहले अपन ने क्या किया, एक लीव लिया. ओके, इस लीव को फिर क्या किया अपन ने, जो बॉइल वाटर है, ओके, अपन ने क्या किया, इस बॉइल वाटर में डाल दिया. ओके, इस लीव को इस बॉइल वाटर में डाल दिया फॉर टू मिनट तक इसको अपन ने डाल दिया. सो दैट ये जो लीव है अपनी वो क्या हो गई, बॉइल हो गई. क्या हो गई, बॉइल हो गई. अपन ने इसको बॉइल किया. ओके, आफ्टर बॉइल करने के बाद ये जो लीव है वो कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट एंड स्मूथ ही बॉइल हो गई. अब अपन ने इस लीव को यहाँ से तो क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया. ओके, यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया, जो क्या है, अभी बॉइल की हुई लीव है ये. देन अपन ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया. इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, एल्कोहल, और इस एल्कोहल में अपन ने क्या कर दिया, इस लीव को डाल दिया. इस एल्कोहल में अपन ने क्या किया, इस लीफ को डाल दिया. अपन ने इस एल्कोहल में इस लीफ को क्यों डाला, क्या बेनिफिट है, क्या होगा इसे. एल्कोहल में डालने से एक तो क्या हो जाएगा, जो इस लीफ का क्लोरोफिल है, ओके, इसमें डालने से क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल फ्री हो जाएगी. एक तो क्या होगा, ये लीफ क्लोरोफिल फ्री हो जाएगी, और क्या होगा इसमें, प्लस क्लोरोफिल फ्री हो जाएगी, प्लस इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, प्लस इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा. तो टू एक्टिविटी अपने पास में यहाँ पे हो गई, एक तो इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा और क्लोरोफिल फ्री ये हो जाएगी. ओके, तो ये बेनिफिट हो गया. फिर अपन ने इस लीव को वापस से निकाल लिया, इस लीव को फिर से अपन ने निकाल लिया. अब ये जो लीव है वो बॉइल की हुई है, क्लोरोफिल फ्री है, और इसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं होगा. फिर अपन ने इस लीव को क्या किया, एक अपन ने इस तरह से पेट्री डिश लिया, और इस पेट्री डिश में अपन ने क्या किया, इस लीव को ले लिया. ठीक है, इस लीव को अपन ने ले लिया. ठीक है, इस लीव को यहाँ पे इस तरह से लेने के बाद, आफ्टर दैट इस लीव में अपन ने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की अपन ने इसमें ऐड कर ली. क्या ऐड कर लिया अपन ने, आयोडीन ऐड कर लिया. तो ये जो आयोडीन अपन ने डाली, देखो ये प्रोसेस हो गई. पहले अपन ने फ्रेश लीव ली, उसको फिर अपन ने बॉईल किया. बॉईल करने के बाद वो क्या हो गया, उसमें एल्कोहल में अपन ने डाला. ठीक है, सो दैट ये क्लोरोफिल फ्री हो गई और केमिकल चेंज फ्री हो गई. अब इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा. ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, इसको एक पेट्री डिश में डाल दिया. ये क्या हो गई, एक पैट्री
डिश हो गई। इस पैट्री डिश में अपन ने डाला, और ये जो पैट्री डिश है इसमें इस लीफ को डालने के बाद अपन ने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की अपन ने इसमें मिलाई। तो आयोडीन के ड्रॉप्स मिलाने के बाद में आफ्टर सम टाइम अपन देखेंगे कि ये जो लीफ है इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। इस लीफ का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। और ये जो ब्लू ब्लैक कलर में ये टर्न हुई है लीफ, ठीक है, उस ब्लू ब्लैक कलर में जो ये लीफ टर्न हुई है, ये ब्लू ब्लैक कलर क्या करता है, स्टार्च को इंडिकेट करता है। क्या करता है, ये स्टार्च को इंडिकेट करता है, अंडरस्टैंड। सो इस तरह से अपन ये इस एक्टिविटी के थ्रू अपन ये कर सकते हैं कि इस जो जितने भी लीव्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ओके, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च का ही तो अपन कर रहे हैं यहाँ पे, स्टार्च प्रेजेंट है, अंडरस्टैंड। अब ये तो एक्टिविटी हो गई जिसमें अपन ने देखा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब अपन देखेंगे कि अपने कुछ प्लांट अपन ने लिया, लाइक आई होप ये एक्टिविटी तो आपको समझ में आ गई होगी, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ। अब अपन ने देखा, आपने कलरफुल, आपने ऐसे प्लांट देखे हैं जिनका कलर, जिनकी लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होके येलो, ओके, येलो रेड, इस तरह के लीव्स उनकी होती है, ठीक है। उन इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होती है, इस तरह की उनकी जो लीव्स होती है उन लीव्स में क्या होता है, जैसे साइड में इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया, ओके, और फिर बीच बीच में से इसमें स्ट्रिप्स बनी हुई होती, बीच में स्ट्रिप्स बने हुए थे, या फिर इस तरह से स्पॉट्स बने हुए थे ग्रीन कलर के, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी कलरफुल रेड ब्राउन वगैरह इनकी कैसी भी जो लीव्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में इन प्लांट्स की होती है, या तो आपने देखा होगा। और अगर आपने इस तरह के प्लांट नहीं देखे हैं तो आप अपने हाउस के आसपास या फिर नर्सरीज वगैरह में जब आप जाते हो तो डेफिनेटली आपको इस तरह के प्लांट दिखाई देंगे जिनकी लीव्स में अपार्ट फ्रॉम ग्रीन मैनी कलर्स ऑल्सो प्रेजेंट, ओके, ग्रीन के अलावा भी उसमें अलग अलग जो कलर है वो प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये आप अपने हाउसेज पे देख सकते हो इस तरह के कौन कौन से प्लांट होते हैं। तो इस तरह के प्लांट कौन से होते हैं, क्रोटोन, और इसका दूसरा नेम है सिलोस, सिलोस बोल दो या क्रोटोन, ये इस तरह का एक एग्जांपल अपने पास में। तो जब अपन ने वो जो एक्टिविटी की थी आयोडीन वाली, जो एक्टिविटी अपन ने अभी देखी है, ठीक है, वो ही एक्टिविटी अगर अपन इस लीव के साथ करेंगे, अगर आपने नहीं देखा है प्लांट को तो आप ये गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, इसकी सारी इमेज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप ये देखोगे प्लांट तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस लीव के साथ में जब अपन करेंगे ये एक्टिविटी, स्टार्च के जो स्टार्च वाली जो एक्टिविटी अपन इसमें करेंगे, तो क्या होगा कि इसमें जो कलर ग्रीन है, क्योंकि इन लीव्स में क्या है, इन लीव्स में क्या होता है कि स्पॉट्स बने हुए होते हैं या फिर स्ट्रिप्स बनी हुई होती है ग्रीन कलर की, इनके सेंटर में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मीन्स क्लोरोफिल को आप किस तरह से समझ सकते हो कि अगर किसी लीफ का कलर ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल है, अगर ग्रीन नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। तो जो भी इनका ग्रीन एरियाज होता है, लाइक इसमें मैंने ये देखा, चलो ये मेरे पास जो लीव है इसका ये वाला पार्ट तो क्या है, येलो है, ठीक है, या फिर हो सकता है इसका कोई और कलर है, यहाँ पे ये कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, ये ग्रीन कलर की लीव है, ये भी ग्रीन कलर की लीव स्ट्रिप है, ये भी ग्रीन कलर की है। जब आप इसके साथ ये एक्टिविटी करोगे, इसको पहले बॉइल करोगे, फिर एल्कोहल में डालोगे, ठीक है, और लास्ट में जब आप पैट्री डिश में इसको डालोगे और इस लीफ में जब आप आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालोगे, तो आफ्टर देन आप देखोगे कि इसकी ये जो स्ट्रिप्स ग्रीन कलर की थी, ठीक है, जो स्ट्रिप्स इसकी ग्रीन कलर की थी ओनली वो स्ट्रिप्स ही ब्लू ब्लैक कलर में टर्न होगी। ओनली ये स्ट्रिप्स ही ब्लू ब्लैक कलर में टर्न होगी, एंड अपार्ट फ्रॉम इन स्ट्रिप्स के अलावा ये जो भी पार्ट है इनका, ये या तो क्या हो जाएगा, ब्राउन और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो इसीलिए अपन ये इजीली बोल सकते हैं, अपन ये अभी इस चीज को बोल सकते हैं कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके लिए
क्लोरोफिल की नीड होती है. ओके, सो आई होप यू गाइज दिस वन ऑल्सो यू हैव अंडरस्टैंड. सो इनफ फॉर टुडे, फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू.